Yo, what's happening guys? My name is Loggy और आज हम एक बारी फिर से Roblox वाली वीडियो के अंदर मौजूद हैं और आज मैंने यहाँ पर Roblox वाली दुनिया के अंदर एक ब्रांड न्यू बिजनेस खोल के रखा है। तो बिल्कुल मेरे पीछे ये जो आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो, इसके अंदर आज मैं यहाँ पर अपनी खुद की जूते वाली फैक्ट्री शुरू करने वाला हूँ। और मैंने ऑल्सो नोटिस किया कि मेरा कैरेक्टर यहाँ पर कैसे चमक रहा है यार। इसका मतलब ये है कि आज यहाँ पर एकदम से लकी वाला दिन होने वाला है अपने Roblox वाली दुनिया के अंदर। और वैसे भाई अगर मैं अपने एरिया के अंदर देखूं तो मेरे एरिया के अंदर देख रहे हो भाई कैसे, भाई यहां पर कितना ज्यादा गन यहां पर पड़ा हुआ है यार। मुझे पता ही नहीं है कि इस एलीवे के अंदर मैं कैसे अपने जूते बेच पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन होपफुली एंड ऑफ द वीडियो तक मैंने यहां पर बहुत ज्यादा जूते यहां पर बेच लिए होंगे। और ओ तेरी, ये देख रहे हो भाई मेरी भाई शोरूम के बाहर, अबे ये गाड़ी किसने ऊपर ठोक दिया है? ओ तेरी यार, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर एकदम से प्रोफेशनल बिजनेस यहाँ पर खोल के रखूंगा और आते ही यहाँ पर किसी ने मेरे बिल्डिंग के अंदर गाड़ी ठोक ली। यार लगता है ये इलोन मस्क यहाँ पर कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी नई वाली निकालने की सोच रहा है और उसकी वजह से मेरी बिल्डिंग के ऊपर नुकसान पड़ गया। आइए आइए सर जी, कस्टमर जी आइए। बोल रहा है भाई यहाँ पर कौन से जूते चाहिए? बोल रहे हैं भाई चपाती भाई क्या कर रहे हो, ये आपका बिजनेस है क्या? देखो कस्टमर जी, ये रहे डाली डास के जूते भाई, डाली डास हैं। बंदा ही गायब हो गया भाई यहाँ पर। यार मैंने कंपनी का नाम लिया, बंदा ही गायब हो चुका है। तो चुप करो, सामने आ चुका है भाई। आप कर क्या रहे हो भाई यहाँ पर? बेच रहा हूँ ये ले सर जी, ये रीजे नाइकी के जूते डाली डास। डाली डास बोला तो कस्टमर ही भाग गया। ऐसा बंदा है मैंने कुछ भी नहीं किया है यार। जरा दिखा ना आपके पास कौन से जूते यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखने वाला मत बन, लेने वाला बन। यहाँ पर मेरे को ग्राहक चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। हाँ अगर मैं अपने पैसे की तरफ देखूँ तो पूरे $0 मेरे पास आ चुके हैं। ए चपाती भाई, इस वाले बंदे को बेचो, ये वाला थोड़ा सा रिच लग रहा है। कौन से वाला? ये लाल टोपी वाला। ओ आइए सर जी, लीजिए लाओ तेरी। ओ तेरी भाई, $5 में आपने बेच दिए। देयर आर सम हाई क्वालिटी स्नीक्स, हियर आर $5। मतलब गलत बोल दिया, तू समझ गया भाई? आई थिंक अब स्कैम यहाँ पर हो गए भाई। हाई क्वालिटी स्नीकर्स का सिर्फ $5 आपको दे दिया और भाई वो मेरी बिल्डिंग है। अरे क्या फर्क पड़ता है, ₹3 का मटेरियल आता है और ₹1 की कॉस्ट है, फिर भी ₹1 बच रहा है मेरा। तेरी मतलब $1 का प्रॉफिट आपने किया। और महंगे वाले भी, तो महंगे वाले जूते तेरे को दिखाई नहीं है मैंने भाई। चलो भाई महंगे वाले बनाओ और एक काम करते हैं, इन द मीन टाइम मैं भी अपनी शुरुआत यहाँ पर करता हूँ जूते बनाने की। तो सबसे पहले मुझे इस कमरे के अंदर से यहाँ पर उठाना है फैब्रिक और अपना फैब्रिक सीधा जाएगा इस मशीन के अंदर। और उसके बाद मुझे ये फैब्रिक एक्चुअली यहाँ पर ऐसे कट भी करना है। और मैंने, ओ तेरी ये कैसा नूबड़े वाला जूता यहाँ पर बन चुका है। वैसे सही है भाई, स्टार्टिंग के लिए सही है। और अगर मैं ये जो ऑलरेडी यहाँ पर फ्री का जूता भी पड़ा हुआ है, और फ्री का जूता देख रहे हो एकदम से 80,000 वाला जूता है। ये देखो चपाती भाई, ये देखो भाई खतरनाक जॉर्डन मैंने यहाँ पर बना दिए। एक मिनट पहले मैं इसको झाड़ू के साथ यहाँ पर साफ करता हूँ भाई। तेरी भाई मैंने जूता साफ किया, पूरा ब्रांड ही यहाँ पर चेंज हो गया जूते का। ये कौन से वाले तेरे 80,000 के जूते भाई? यहाँ पर जॉर्डन पड़े हुए थे, जैसे ही मैंने उनको साफ किया ये देखो भाई इसमें कन्वर्ट हो गए। और ओ तो सारा काम तू कर रहा, ओ लो लो मेरे पास तो कस्टमर लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं ना भाई, अभी यहाँ पर एयर फोर्सेस बन चुके हैं। और एक काम करते हैं, इनको मैं सीधा अभी डब्बे के अंदर मुझे डालना है। तू जो बना रहा, मजदूर रख अपने यहाँ पर। अरे भाई मजदूर के मेरे पास यहाँ पर पैसे ही नहीं है। अपना पहला डब्बा यहाँ पर तैयार हो चुका है, इसको तो मैं एटलीस्ट $50 में तो बेच कर ही जाऊंगा। कोई नहीं खरीदने वाला। ये देखो ये वाला बंदा थोड़ा सा रिच यहाँ पे लग रहा है। हेलो सर जी, क्या आप ये मस्त वाले जूते मुझसे खरीदेंगे क्या? कितने के लिए उसने? कितने के लिए भाई? ओ $8 के। तेरी भाई उसने तेरे को $2.5 टिप भी दी। लेट्स गो। तो भाई मैंने $5 के जूते बेचे और साथ में उसने मुझे ₹2.5 टिप भी दी। ए, ये गलत बात है, तू मेरी दुकान के सामने जूते बेच रहा है। ए रहने दो। ओ ये देखो भाई इसके पास क्या मोटी मोटी चेन ही। एक मिनट भाई, पहले मैं अंदर से जूता बना के लेकर आता हूँ। सबर कर, इसके जूते मैं ही बेचूंगा। नहीं 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 भाई, इससे पहले की चपाती भाई ये जूते बेचे, पहले मुझे यहाँ पर बेचने पड़ेंगे। और एक बारी फिर से मैंने यहाँ पर जॉर्डन्स बना दिए और अपनी पिज्जा वाली साफी यूज करके मुझे इनको यहाँ पर स्क्लीन करना है और इनको मुझे जल्दी से अभी डालना है डब्बे के अंदर। और कमन कमन कमन, लेट्स गो। मैं आ रहा हूँ, इधर ये रहा, ये रहा खड़ा है भाई। सर जी मत लेना उसके जूते, नकली है वो। ये लो भाई जूते ले लो। सर जी मैं भी दे रहा हूं जूते। $5 दिए भाई। आपको आपको उसने बोला यू थिंक आई एम अ बाय दिस, ले लिया, लेट्स गो। अरे इसको देखो भाई, यहाँ पर तो अभी बड़ा सा माफिया वाला बंदा आ चुका है। अरे मेरे को तो लस्टर लग रहा है।
भाई मेरे पास एकदम से सही आइडिया है। क्या? एक काम करते हैं, पहले तो मुझे यहाँ पर ये हायर वर्कर यहाँ पर करना है, तो अभी मेरे पास एक बंदा भी यहाँ पर आ चुका है और ये अपनी जूती की कटिंग यहाँ पर करेगा। नाइस। और मेरा प्लान बहुत ज्यादा सिंपल है, ये एक एक जूता बेचने से अच्छा है एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा फैब्रिक लगाता हूँ मशीन के अंदर और फिर मैं एक ही साथ में 5-6 जूते यहाँ पर बेचूंगा और इससे मैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा प्राइस भी लगा पाऊंगा। और ये कैसा जूता है, ये कैसा जूता है भाई, यहाँ पर एकदम से खड़ा हो चुका है अपनी मशीन के ऊपर। चलो कोई बात नहीं, ये काम करते पहले मैं ये पीछे वाला साफ कर लेता हूँ और तेरी साधारण सा चप्पल मैंने साफ कर सीधा जॉर्डन में कन्वर्ट कर लिया। भाई तू क्या कर रहा है भाई, भाई ये गलत बात है, ये चप्पलों के ऊपर लेदर लगा के जॉर्डन के स्टिकर लगा के छेप रहा लोगों को भाई। ऑब्वियसली भाई ये इस मार्केट के अंदर मैं भाई सिर्फ नकली जूते फिलहाल बेच रहा हूँ। और ये क्या है, और ये कैसे एयर जॉर्डन है यहाँ पे, कोई बात नहीं ये देख रहे हो। तो ये भाई ये जॉर्डन की स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, सिर्फ बंदे को मुझे एक ही बेचना है और इसमें दोनों पैर डालने हैं। देख लो भाई, भाई इतना सेंटा आया है यहाँ पर, सेंटा जी ये लिखो जो वो आपसे फ्री में ले लेगा भाई। okay. वो फ्री में ले लेगा, उसने लिए ही नहीं कर, नो थैंक यू। ओके, इसको अगर मैं बेचूं तो वाओ क्या हुआ, $20 के जूते मैंने बेच दिया भाई, $20 के। ओके कोई बात नहीं, अभी मेरे हाथों के अंदर अब की बारी में 3-3 डब्बे यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ जूते के। वो बंदा मेरे को $10 टिप दे रहा है, ये देख ये वाला। तेरी $10 आपको टिप मिल गई यार, आप तो बहुत ज्यादा लकी हो गए। और एक काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं रोड को फॉलो करते हुए इस तरफ आऊँ तो आई थिंक यहाँ पर थोड़े से रिच बंदे होंगे। ओ तेरी भाई, एक काम करते हैं पहले मैं 2-3 जोड़े इसके ऊपर यहाँ पर बेच लेता हूँ और नाइस मुझे एक जोड़े कैसे मुझे $5 दिया, तो टोटल मुझे मिले यहाँ पर $15। नाइस, लेकिन सही है यार, वैसे सही है, लेकिन आपको तो यार और ज्यादा पैसे मिल रहे हैं भाई। मैं जितना अपना बिजनेस यूज कर रहा हूँ, बिजनेस दिमाग भाई, जितने मैं 2 जोड़े बेच रहा हूँ उतनी तो सिर्फ आपको टिप मिल रही है। अरे मैं बिजनेस दिमाग यूज कर रहा हूँ और अभी गाइस मेरा दिमाग देखना, आगे ना सामने जो है वर्कर काम कर रहे हैं और वर्कर्स के जूते बहुत जल्दी फट जाते हैं, तो मैं अभी मुंह मांगे दाम पर उनको जूते बेच के आऊंगा, देख लियो तेरी यार। मतलब कि अब हैवी डिस्काउंट भी दे रहे हो जूतों के ऊपर। अरे जेसीबी की खुदाई करने वालों, ये देखो मेरे पास जेसीबी के खतरनाक वाले जूते भी आ चुके हैं। ये कितने का लेगा, क्या बोला भाई उसने, क्या बोला, कलाना वो तेरी खुदाई कर दे, यहीं पे गाड़ दूंगा कला। बंदा सो रहा है भाई, एक मिनट पहले में तेरी भाई साहब, यार मेरा रोबलॉक्स का कैरेक्टर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, क्या कढ़ाई के साथ इसने उठाया भाई। और चलो यहाँ पर अभी कंटिन्यू करते हैं, तो एक बार फिर से मुझे सिर्फ यहाँ पर जूते साफ करने हैं। ये कैसे जराबो वाला जूता आ गया, वैसे सही है, ये भी मैं अच्छे दाम पे यहाँ पर बेच दूंगा। और कमोन अभी मुझे ये व्हाट, ये क्या हुआ वो भाई, भाई ये गेम मुझे यहाँ पर सही ट्रोल कर रही है। अभी यहाँ पर जॉर्डन पड़े हुए थे, जैसे ही मैंने साफ किए चप्पल के अंदर कन्वर्ट हो गए भाई, ये गेम मुझे यहाँ पर सही ट्रोल कर रही है। और ये देखो अब की बारी मेरे पास एकदम से खतरनाक जूते आ चुके हैं चपाती भाई। अरे भाई साहब तू तो तरक्की को ज्यादा ही कर रहा है यहाँ पर, नाइस है यहाँ पर, मेरे को बड़ा बंदा है तेरे को इसी जूतों के साथ पीटना चाहिए। ओ ये देखो भाई एकदम से चेनिया वाला बंदा, मैं इसके ऊपर बेचता हूँ और तेरी ये बोल रहा है मैं सिर्फ असली जूते यहाँ पर खरीदता हूँ, ये मुझे चाहिए ही नहीं। और अब भी आ जा, मैंने यहाँ पर अपने जूतों की VIP शॉप खोल कर रखी है, जरा अंदर आके देखियो। अच्छा ऐसा क्या कर दिया आपने यहाँ पर, ओ आपने तो यार एक्सटेंशन मैंने ले लिया पर, किया है भाई आपने तो, ये क्या है आई हायर आई शो स्पीड, ये देखो यहाँ पर लिखा है। ओ भाई साहब मतलब कि आई शो स्पीड को हायर करने के लिए 200 रोबक्स चाहिए। वैसे अब यहाँ पर क्या बना सकते हैं उस नए एरिया के अंदर, ये देखो ये कैसे ये नकली जूते आप यहाँ पर बेच रहे हो भाई, मैंने पकड़ लिया आपको। तू कौन सा असली माल बेच रहा है, सही बात है, घर में तो बना रहा था जूते, तू भी बेच भाई। पहले मैं सबको बाहर जाके बताता हूँ, सुनिए सुनिए वासियों। अच्छा मजाक कर रहा हूँ भाई, शिकायत खोलू क्या? अच्छा अच्छा नहीं करते भाई, नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई। और यार एक बार फिर से मेरे भाई वर्कर यहाँ पर सो रहे हैं, पहले मुझे इनको उठाना पड़ेगा। और एक काम करते हैं, अभी मैंने खरीद लिया है अपना अगला वर्कर और आई थिंक मैं इसके बाद सिर्फ एक और वर्कर यहाँ पर खरीद सकता हूँ। और जैसे ही मैंने सारे वर्कर यहाँ पर ले लिए, मेरा काम यहाँ पर एकदम से आसान हो जाएगा, तो मेरा काम सिर्फ यहाँ पर होगा सेल्समैन वाला। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले मुझे और ज्यादा जूते यहाँ पर बेचने हैं। और अगर मैं अगले वर्कर की प्राइस देखूं तो अगले वर्कर की प्राइस यहाँ पर आ रही है $20। और आई थिंक ये वो एरिया है जहां पर चपाती बने एक्सपेंड किया है, और ये एरिया अनलॉक करने के लिए पहले मुझे यहाँ पर 20 जूते बेचने पड़ेंगे। फिलहाल अगर मैं अपने स्कोर की तरफ देखूं तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 7 जूते बेचे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ कुछ ही और जूते मुझे यहाँ पर बेचने हैं और फिर मैं भी यहाँ पर और ज्यादा एक्सपेंड कर पाऊंगा। तो कम ऑन, फिलहाल मुझे सिर्फ यहाँ पर रखना है अपना फैब्रिक। और अरे यार यहाँ पर तो ऑब्वियसली बंदा है ही नहीं, तो यहाँ पर जूतों को पैकेज करने की जॉब अभी मेरे पास आ चुकी है। इधर साफ कर रहा हूँ अबे ये काम तो असली में करा कर, इधर ये देखिए क्या
ये देखो तो उसको बेच दिए $5 थू। अभी देखियो मेरा फंडा आया, दिखाओ दिखाओ, ये है आपके भाई। जूते बेचने के लिए आपको सेल्स टैक्टिक चाहिए होता है। हाँ दिखाओ भाई, ये लो, ये है भूतिया जूते, दो जोड़े आपके लिए और एक जोड़ा आपके खतरनाक वाले भूत के लिए। पहनेगा अगर मैं इसको बेचूं तो क्या हुआ? प्राइस चेक कर, प्राइस किधर है भाई? वो भूत या $30 इससे बोलते बिजनेस भाई साहब। आपने एक जोड़ा $30 में कैसे बेच दिया यार? इतना दिमाग बहुत ज्यादा तेज चल रहा है जूते मारने में। Let's go. बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं भी सिर्फ यहाँ पर ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला हूँ। और ये रहा अपना फाइनल जूता, तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पर पैकेज करूँ और यहाँ पर सारे डब्बे उठाऊं तो अभी मेरे हाथों के अंदर 6 जोड़े आ चुके हैं। और अभी मुझे सिर्फ यहाँ पर एकदम से बड़े वाला कस्टमर ढूंढना है, और बिल्कुल सामने ये वाला बंदा। और भाई वो मेरा कस्टमर है। ओके नाइस, उसने नो थैंक यू बोल दिया। सर जी ये देखो मेरे पास 6 बड़े मस्त वाले जोड़े हैं, आपके कपड़ों के साथ एकदम से बढ़िया मैच करेंगे, और लेट्स गो, मुझे भी यहाँ पर $30 मिले। तो इसका मतलब ये है कि अभी मेरी प्राइसें भी यहाँ पर थोड़ी बहुत और बढ़ चुकी हैं, और अभी मेरे पास यहाँ पर टोटल $43 भी आ चुके हैं। और सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक बंदा हायर करना है, और देर वी गो, ये तेरी भाई मेरे पास तो एकदम से भाई ये चेनियों वाला बंदा आ चुका है। और इसके बाद मुझे सिर्फ एक ही और बंदा यहाँ पर हायर करना है, और वो है ये रीस्टॉकर वाला। और जैसे ही मेरे पास ये आ चुका है उसके बाद मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है भाई। कम ऑन, कब से मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, पूरे $98 मेरे पास आ चुके हैं। और ये लीजिए सर जी आपके नए जूते। और अभी मेरे पास यहाँ पर $100 आ चुके हैं, जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए थे, क्योंकि $100 में अभी मैं यहाँ पर एक रीस्टॉकर भी खरीद सकता हूँ, और ऑल्सो मैं यहाँ पर मैनेजर भी खरीद सकता हूँ। और मैनेजर के बाद ये बंदा डेफिनेटली इन सब के ऊपर कड़ी नजर रखेगा। और देख रहे हो, ये देख रहा है, मेक मोर स्नीकर, लेट्स गो। और इसके बाद हम यहां पर खरीदेंगे रीस्टॉकर, और ये वाला बंदा यहां से फैब्रिक उठाएगा और सीधा मारेगा इस मशीन के अंदर। तो मेरी जॉब अभी एकदम से इजी हो चुकी है। और अगर मैं टोटल सेल्स की तरफ देखूं तो मेरे पास यहां पर पूरे 30 जोड़े मैंने यहां पर बेच दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी मैं अपनी शॉप यहां पर एक्सपेंड कर सकता हूं। और लेट्स गो, देख रहे हो यार, ये वाली जगह कितनी ज्यादा कूल लग रही है यार। तो यहाँ पर ये देखो अमंगस वाले जूते भी मैं यहाँ पर खरीद सकता हूँ, और ज्यादा एक्सपेंशन भी कर सकता हूँ, और थोड़ी बहुत ऐसे भाई डेकोरेशन के लिए मैं पेंटिंग्स भी लगा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये थोड़ी बहुत डेकोरेशन यहाँ पर लगानी है। और कन्वेयर यहाँ पर आता है $110 का, और अभी मेरे पास भी ऑप्शन आ चुका है हायर आई शो स्पीड। वैसे यार मुझे पता नहीं है कि आई शो स्पीड को हायर करने से क्या होगा, लेकिन अगर सब लोग सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो मैं यहाँ पर आई शो स्पीड को हायर करूंगा। और आई थिंक अगर मैंने यहाँ पर इसको हायर कर लिया तो डेफिनेटली चपाती भाई तो पहले आउट ऑफ बिजनेस यहाँ पर हो जाएंगे यार, क्योंकि आई थिंक स्पीड यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई तरकीब चलाकर यहाँ पर मेरे लिए जूते सेल करेगा। लेट्स गो। और एक्चुअली अगर मैं अपने बंदों की तरफ यहाँ पर देखूं तो नाइस, यहाँ पर इसने यहाँ पर 9 जोड़े ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए। तो एक काम करते, पहले मैं ये 9 जोड़े यहाँ पर बेच कर आता हूँ। और मैंने नोटिस किया ये वाला बंदा बहुत ज्यादा पैसे देता है, तो अभी अगर मैं इसको सेल करके देखूं तो मुझे कितने नाइस $45 $22 टिप भाई। क्या पैसे अभी मैं यहाँ पर कमा रहा हूँ, आते ही मेरे पास $70 यहाँ पर आ चुके हैं। और ये क्या है, हायर रिसर्चर, पता नहीं इसे क्या। अच्छा तो ये वाली आंटी जी यहाँ पर बैठेंगी और ये अभी मुझे बताएंगी कि कौन से जूते यहाँ पर ट्रेंडिंग है और कौन से जूते हमें यहाँ पर बनाने चाहिए। लेट्स गो। और देख रहे हो भाई, रिसर्च करने से मुझे इससे भी पैसे मिल रहे हैं, तो अभी मेरे पास अभी यहाँ पर ढेर सारे पैसे अभी आने वाले हैं। और एक काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अभी मैं यहाँ पर हायर आई शो स्पीड यहाँ पर खरीद ही लूँ। तो अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 200 का यहाँ पर आ रहा है, तो आई थिंक यहाँ पर सब लोगों ने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया। तो एक काम करते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, सीधा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ हायर आई शो स्पीड। और अभी हुआ क्या यहाँ पे, हेलो स्पीड, तेरी भाई ये तो यहाँ पर भाई साहब स्पीड तो अपने जूते की यहाँ पर भाई प्रमोशन कर रहा है हैवी वाली। और देख रहे हो यार, अभी मेरे पास कितने ज्यादा पैसे यहाँ पर आ रहे हैं। ए चपाती भाई इधर आओ भाई। अरे भाई अपने स्टोर के अंदर यहाँ पर बड़ा मोटा भाई वो बैठा है, भाई सेलिब्रिटी बैठा है यहाँ पर अंदर। कौन है? रुक, मैं पहले सबसे पहले जूते लेके आता हूं। ये देख, इजी लेके आ रहा हूं, जो मैं इसलिए पहनता हूं, ये देख ले भाई। पहले मैं अपने यहाँ पर थोड़ी सी भाई मैं यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर अपग्रेडिंग पहले कर लेता हूँ। ये कौन है? इसको भी खरीद लो, इसको भी खरीद लो। और ये देखो भाई अपने पास यहाँ पर स्पीड आ चुका है भाई, लाइव स्ट्रीम कर रही है बंदा। तो यार भाई लाइव स्ट्रीम कर रहा है, साथ में अपने जूते की प्रमोशन यहाँ पर कर रहा है। ये तो भोंग भोंग के जूते बेच रहा है। देख रहे हो भाई, एक एडवर्टाइजमेंट से मुझे $1000 मिल रहे हैं। और ये देखो पीछे सेंटा भी काम कर रहा है, ये सिर्फ $8 कमा रहा है। और ये देखो सामने चेनिया वाला सर जी भी बैठा है। तूने तो यहाँ पे फैक्ट्री खोल कर रखी हुई है, मैं तो कुछ ज्यादा पैसे रिसर्च करके देखू तो देख रहे हो ये पूरे $15 मेरे लिए खरीद रहा है यहाँ पे। और ऑल्सो अभी मैं यहाँ पर अमंगस वाले जूते भी खरीद सकता हूँ। लेट्स गो। और इसी के साथ ही आई थिंक अभी मैं यहाँ पर गेम का दी सबसे
रिचेस्ट बंदा यहाँ पर बन चुका हूँ। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो यहाँ पे पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।